ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काम मूर्छ अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कामूर्त अर्जुनी सैवां गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच कभी सच नानक कहो सी भी सच एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर धन्यवाद है जिन्हों ने वैसाखी का पावन दिहाड़ा मनाने का उपराला किया। Our city's diversity is one of our strengths, and that should be embraced as well as celebrated. I thank you all for the contribution that you make to our city, and thank you again for inviting us this morning. I hope you all have a most enjoyable day. Thank you. Now I ask MP MR Reynolds to come along and say a few words on this special occasion on the Vaisakhi Day. MR Reynolds, MP, thank you very much. Wahe Guruji Ka Khalsa, Wahe Guruji Ki Fateh. It
just wanted to take this opportunity as your Member of Parliament to say a very happy Vaisakhi. It's a great pleasure and privilege to be here with you today to celebrate the establishment of the Khalsa by the 10th Guru, Guru Gobind Singh. And it's also, as the Mayor has said, an opportunity to celebrate the fantastic contribution of the Sikh community here in Wolverhampton to our economy, the professions and others, to the society, to our culture. And we will soon have the Annan Primary School set up and opening in September too. And it's a great pleasure to be with you to celebrate Vaisakhi in particular. I'm taking up various specific issues for the Sikh community in Parliament, not least calling for the abolition of the death penalty in India. Again, it's a great pleasure to be here, and thank you again for your contribution, and thank you for inviting me, and as always, welcoming me in such a warm manner. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. लोकल एम पी एम आर रेनोल्ड्स जिन्होंने के आप जी ने सूचित किया कि वह साढ़े नाल जो कि साडा सिखी संघर्ष है इंडिया दे विच जो कि साढ़े नाल वधीकियां हो रही हैं इंग्लैंड दे विच भी मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के वह कहते असी काम कर रहे हैं अगेन आई विल थैंक एम आर रेनोल्ड्स फॉर कमिंग अलोंग टेकिंग हर वैल्यूएबल टाइम आउट टू अड्रेस द कांग्रेस कांग्रेस प्रेज शाह सिंह जी हूं साढ़े को इंडिया दे विचों सरमौर हस्ती जथेदार तख्त पटना साहब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी पहुंचे हुए हैं उन्होंने मैं दो मिनट वास्ते जी आया कहना दो मिनट वास्ते जो कि आके संगतों के नाल इस मौके से जो भी वह कहना चाहते हैं संगत नाल अपने प्रवचन सांझे करन वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह गुरु खालसा साध संगत जी असी वडभागे हाँ जो विदेशों में आके भी अपने सिखी सिद्धांतों ते पहरा दे रहे हाँ सिखी स्वरूप नूं संभालण दी असी बहुत तेजी दे नाल यतन कर रहे हाँ दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने खालसा पंथ की सिरजना वैसाखी वाले दिन की आप सारिया नूं पता है हिंदुस्तान की जनता सदियों तो लैके गुलामी दियां जंजीरां विच बनी हुई सी दशमेश पिता ने शुरू तो ही तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहेब बाल अवस्था दे विच ही जदों गंगा दे किनारे खेजण जांदे एक कंगन गंगा दे विच सिट दिता माता जी ने पुछण ते दूसरा कहा माता जी ओ उत्थे सिटिया है माता जी ने कहा तुसी ये चंगा नहीं कीता सतगुरु जी कहने लगे माता जी सानू हुण इना कंगना दी लोड़ नहीं असी तां हुण लोहे दा कंगन सजावांगे सतगुरु जी ने गाते तलवार सजाई हुई सी ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਮਰਾਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰੋ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਤਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
और बेनती करना कि इस तरह जेकर अज टाइम हो दूसरे पासे जिस वे नगर कीर्तन पहुंचना है उत्थे भी संगतां नूं दर्शन देन जी आया कहिंदे होए आपां इक जकारा छड्डना है ताकि आपां नगर कीर्तन दी जो कि पंज प्यारे अंदर तैयार हन उन्होंने बाहर आ जाना है आपां इक उच्ची देर जकारा छड्डना है बोले सोनिहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ
बोले वाहे गुरु हो श्री वाहे गुरु
I'm not going to do it.
मेरो रामैया
शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो राम गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो राम जदों गुरु दे शब्द दा वाजा वजदा ते गोविंद प्रगट हो जांदा सेवक गुरु दी शरण आया गुरु चरणा च आ डिगया गुरु ने तरस कीता गुरु त्रुठिया त्रुट के सतगुरु जी ने नामदान शब्द दी दात बख्शी और आख्या कि जीबा नाल गा कन्ना दे नाल सुन गाउंदियां गाउंदियां सुनदियां सुनदियां एक दिन ऐसा आवेगा जदों तेरा रोम रोम ते आवेगा ते तू उत्थे तक पहुंचना सेवक ने आख्या सत वचन सी जिवें गुरु ने हुक्म लाया सेवक ने जीबा दे नाल जपना शुरू कीता ते ज्यों ज्यों गुरु दे शब्द दा वाजा वजदा गया होली होली उहदे अंदरों गोबिंद प्रगट हुंदा गया एक दिन ऐसा आया जदों गुरु दे शब्द दे वाजे दे सदका अपने अंदरों ही गोबिंद प्रगट हो गया लभ लिया गोबिंद लभ लिया निरंकार नूं अपने अंदरों सेवक ने आओ आपां भी मिलके नाल नाल पढ़िए ते नाल नाल गुरु चरणा च बेनती करिए कि ते असी भी आनंद दे उस सोमे नूं अपने अंदरों लभ सकीए है ते अंदर ही ना आपां भी किते लभ सकीए जे मंगांगे ना गुरु प्यारे हो ते जरूर प्राप्त होवेगा आओ सारे रल के नाल नाल पढ़िए नाल नाल गुरु चरणा च जोदड़ी करिए कि सतगुरु साडे ते भी तरस करो मेरो रामैया मेरो रामैया मेरो रामैया मेरो रामैया मेरो रामैया मेरो रामैया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो I'm not afraid of the dark.
जुगाहत जुगाहत जुगो जुग ताका अंत न जाने आद जुगा सर्व निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखाने सर्व निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखाने आद जुगाद जुगाद जुगो जुग अंत नहीं कछ पारे लाख 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 कही ही कोरे को है ऐसो हो विचार जी मेरे लाल जियो अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु करे सत्संग जी सब तो पहला दास अपने वालों श्री गुरुदास टैंपल श्री गुरुदास धार्मिक सभा विलन हाल वालों श्री गुरुदास गुरुदास महाराज जी के साध संगत वालों जो नगर कीर्तन में संगत आई है उन्हों का स्वागत करती हुई हार्दिक धन्यवाद करती है। तो वैसाखी के शुभ त्यौहार उत्ते लख लख बधाई संगत वालों अपने वालों पेश करता हाँ क्योंकि ये जो त्यौहार है बहुत ही खुशियां भरिया हर साल आता है। वैसाखी का जो त्यौहार है क्योंकि इस दे विच बहुत ही ज्यादा अपने हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे इतिहास संबंध रखता है। सब तो वड्डी गल जो है वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला समुची साध संगत जो नगर कीर्तन अपने गुरु नानक सिख टैंपल गुरु नानक सिख टैंपल बेंसफील्ड तो गुरु घर गुरुदास अपने टैंपल विल हॉल
श्री गुरुदास ने प्रोविजन हॉल विखे पहुंची है। सो जी आया आपने हाँ। सो अज का जोड़ा इतिहास है वैसाखी का जो इतिहास है वैसाख भला साखा वेस करे का ऐलान करता है। तो इस बहुत सारिया घटनावान जड़िया वो संबंध रखदियाँ हैं। कई दूजे धर्मों में विसाख जोड़ा है उस मनहूस महीना गिने जाता है, पर सिख इतिहास सिख धर्म दिया बहुत सारिया घटनावान जड़िया है वो विसाखी के नाल संबंध रखदियाँ। तो अज का जो नगर कीर्तन है तो दसवें पातशाह गुरु गोबिंद जी महाराज दीतियाँ देश कौम के धर्म के सेवावान उन्होंने शुकराना है। उन्होंने शुकराने संबंध में नगर कीर्तन जोड़ा है वो अपने इतने पहुंचे है। समुची साध संगत के नगर में शामिल सारे भैन भरा तहदे तो धनवादी हाँ, क्योंकि जो टाइम है उसनों भी अपने मद्देनजर रखना पैंता है। कुदरत करके वसया सोए वक्त बेचारे सो बंदा हो सो वक्त की साढ़े जीवन बहुत बड़ी महानता है। सो ये जो खालस की साजना दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1699 अपने खालस की साजना की। सो खालस में सेहत देने अपना सारे का सारा परिवार अपने साढ़े तो वार दिता। सो सा फर्ज बनता है कि उन्होंने इतिहास जोड़ा है वो सरवण करिए। बाकी जो घटनावान है वो विसाखी के नाल जो संबंध रखदियाँ है, जिस तरह सो आपने देखे है खालसे रूप खाल दल खालसा ते महाराजा रणजीत सिंह भी विसाखी वाले दिन अपने लाहौर के तख्त उत्ते विराजमान होए सन। सो सिख राज की ताज पोशी जिहड़ी है वह विसाखी तो शुरू होंदी है। इस तो उपरंत अपने पहली पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ते दूजी पातशाह पंजवें नौवें पातशाह दे जन्म दिहाड़े भी अपने ये विसाख के नाल संबंधित किए जाते हैं। पर अज असी विसाखी हमेशा मनाते हैं, सारे विसाखी मनाते हैं, पर सिख इतिहास की विसाखी जिहड़ी है वह कौमी विसाखी है। सो अज खालसे का जन्म दिहाड़ा है, खालसे के जन्म दिहाड़े ते समुची साध संगत नू लख लख बधाई दिंदे हां। सो टाइम मुख रखते हुए तो समाप्ति करते हैं। सो अपने जकारे का जवाब जकारे में देने की कृपालता करनी। जो बोले सो निरपै, जो बोले सो निहार। आनंद कारण की खातर उस उपरंत जे गुरु इतिहास बोलिया जाए गुरु नानक देव महाराज का भी प्रकाश उत्सव अप्रैल में ही होया सी ते होर गुरुआं दे कई कारण में होए हैं। ये तो बहुत ना जाना होया जेडी वड्डी गल इतिहास वापरी से सन 1699 की विसाखी से जदों कि गुरु महाराज ने एक अकाल पुरख की फौज तैयार की थी। पर प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे पिथारी जियो। मैं क्या मांगूं कुछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्रभु देख हारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे पिता।
मरत प्याल आकाश दिखायो गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो सो ब्रह्म गजो कट पीतर देख मुरारी जियो मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई हरदी जेना प्यारी जियो जन्म मरण को यह जग बपोड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुरु मिले ता गुरमत पाए साकत मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहा हर दीजे ना प्यारी जियो सतनाम सतगुरु बंधन तोड़ निरारे बोहड़ नगर मंजारी जियो नानक ज्ञान रतन बरगासिया हर मन बसिया निरंकारी मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहा हर दीजे ना प्यारी जियो सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु प्रभ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੇ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੇਰੀ ਲਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਕੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਨਿਆਲ ਹੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀ ਤਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਸਨ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਵੱਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਵੱਲੋ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਿਰਦ ਕੀ ਪਹਿਜ ਪੰਚੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਰਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਵਰਦ ਅਗੰਬਣਾ ਵਰਿਆਮ ਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਲਨਹਾਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ ਪੀੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਅਤਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Why?